थोड़ा सा बोल्डर वर्जन होता था दैट आई हैव टू वेयर बिकनी. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो टॉपलेस करती हैं, न्यूड करती हैं, लाइक पूनम एनॉल, वो पूरा न्यूड करती हैं. और जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50. जैसे कि पूनम के लोगों ने बना के दिया था, पूनम पांडे, हाँ, शर्लिन को दिया था, अन्वेशी को दिया था. सीन था जहाँ पे वो एक्चुअली टॉपलेस है, एक्चुअली. Okay, so on that note, now we are moving on to our next segment, which is known as controversies which made headlines. काफ़ी सारी controversies इनके इर्द गिर्द घिरे रहते हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहती है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो के दौरान बताया था. So right now, we will move on to first controversy which made really a big headline, which is Raj Kundra controversy. What do you have to say about that controversy? Actually, हुआ क्या था, मैं मेरे घर पर थी और मुझे फ़ोन आया सबसे पहले मीता झुनझुनवाला का, जो कि राज कुंद्रा की पीए हुआ करती थी. और उन दिनों राज कुंद्रा की कंपनी थी आर्म्स प्राइम. ये लोग ऐप बना के देते थे आपके इंडिविजुअल पर्सनल ऐप्स, जैसे कि पूनम के लोगों ने बना के दिया था, पूनम पांडे, हाँ, शर्लिन को दिया था, अन्वेशी को दिया था. तो ऐसे करके मुझे कॉल आया मीता का, यार गहना एक मीटिंग करते हैं और ऐप के बारे में डिस्कस करना है. तो मैंने कहा मीता सी यार, मैंने वो गंदी बात कर ली है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मैं इतनी बोल्ड नहीं हूँ कि मैं ये कर पाऊँ. तो उसने कहा यार एक बार मिलके तो देखते हैं. मैंने कहा मीता मिलके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपका टाइम ख़राब करो, आप मेरा करो. तो अच्छा, सबको पता है कि मैं ना बहुत बड़ी ना कॉफ़ी लवर हूँ, मैंने कॉफ़ी एडिक्ट हूँ. सोनू ने मुझसे कहा अच्छा एक काम करो, हमको पता चले कि आप कॉफ़ी बहुत पीते हो, आते दो तीन कॉफ़ी पीते हैं. मैंने कहा चल ठीक है, आते हैं. फिर मैं गई तो मैं फ़र्स्ट टाइम, इनका ऑफिस होता था ऑपोजिट इन्फिनिटी मॉल मेनलैंड चाइना के ऊपर, सो मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ पर राज कुंद्रा को मिली. और मुझे ये भी श्योर करना था कि एक्चुअली वो वहाँ से है या नहीं है. तो राज वाज देयर, इनका कैबिन है जहाँ पे पूरी फैमिली की फ़ोटोज़ लगी हुई है और ऑफिस का नाम है वियान इंडस्ट्रीज, वियान इंडस्ट्रीज, हाँ. सो जब मेरी मीटिंग होती है मीता से, तो मीता क्लैरिफाइड एवरीथिंग कि सी इट इज़ ऑल अप टू यू, तुम्हें कितना बोल्ड करना है और कितना बोल्ड नहीं करना है, वी वोंट फोर्स यू. एंड सेकेंड चीज़ कि आपका खुद का ऐप है, आपकी जो ऑडियंस है वो खुद की है. अगर किसी आर्टिस्ट की ऑडियंस साड़ी वाली है तो पब्लिक खुश है उससे. सो हम किसी भी आर्टिस्ट पे फोर्स नहीं करते. और तीसरी चीज़ कि हमें सिर्फ मंथ में आपके दो दिन चाहिए और जो भी इनकम होगी वेल शेयर 50-50. तो ये जो 50-50 था वो कैसे था, इनका कहना था कि जो 140% है वो गूगल प्ले स्टोर और iOS ले लेंगे. अच्छा. रिमेनिंग 60 में 30 आपका, 30 मेरा. हाँ. जो मुझे 30 आएगा उसमें भी 10% TDS कटेगा, मतलब हाउ मच आई एम गेटिंग, 27%. दैट्स इट. तो मैंने कहा चलो अब करके देखते हैं, दिस इज समथिंग न्यू, लेट्स एक्सप्लोर दिस. सो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ 2019 में अक्टूबर में और मेरा ऐप लाइव हो गया 2019 में नवंबर में. सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने मैंने किया. और ये सब कुछ मैनेज कर रहा था सौरभ कुशवाहा, जो आर्म्स प्राइम का CEO था. सो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, आई एम जस्ट गेटिंग 27%. और मैंने 27% के लिए मैंने इनसे कहा कि मुझे ट्रांजेक्शन तो दिखाओ. सो मुझे इन्होंने ट्रांजेक्शन तक नहीं दिखाया, तो मैं कैसे मान लूँ कि यार दिस इज़ द अमाउंट जो कि आ रहा है. मैंने कहा चलो मुझे नहीं करना है. वो मैंने ख़त्म कर दिया. मैंने मतलब ये फरवरी में डिसाइड किया, मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट किया कि हम क्लोजिंग दिस और मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया. पर अच्छा, ऐप पर करते क्या थे, वो काम था क्या? अच्छा, ऐप में क्या होता था, एक तो हम लोग लाइव जाते थे, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, फेसबुक में लाइव जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बोल्डर वर्जन होता था दैट आई हैव टू वेयर बिकनी. और बहुत सारी लड़कियां हैं जो टॉपलेस करती हैं, न्यूड करती हैं, लाइक पूनम एनॉल, वो पूरा न्यूड करती हैं. स्टिल आई हैव दोज वीडियोज़ विद मी इन माई फोन, आई कैन शो यू इफ इट्स. सो दे डू न्यूड, टॉपलेस, दे डू एवरीथिंग. तो बट वहाँ पे ऑडियंस होती है, ऑडियंस होती है, दे पे टू वॉच देम. और ये जैसे मान लो सपोज रात का 10 बजे का अपने लाइव करने वाले हो, अपने अनाउंस कर दिया कि रात को 10 बजे हम लाइव आने वाले हैं, एंड उसके लिए आपने एक टिकट अमाउंट रख दिया. अच्छा. कि एक टिकटिंग विंडो है, यू हैव टू पे एंड देन वो टिकट खुलेगी, मतलब विंडो खुलेगी एंड देन आपको देखेंगे. सो मैं उस पर बिकनी रख करती थी, सब बिकनी एंड ऑल पहन कर, योर डांसिंग, या मैं डांस कर रही हूँ, या मैं उनके साथ बातें कर रही हूँ, या उनके साथ मैं गॉसिप कर रही हूँ, ये सबके अपने अपने मुद्दे हैं, आई एम जस्ट इंटरैक्टिंग विद देम. बट वहाँ पे मैं उनको देखूँगी, वो मुझे नहीं देखेंगे, मतलब वन टू मल्टी टारगेट वाला सीन था. जैसे आप इंस्टाग्राम पर लाइव जाते हैं, लोग आपको देख सकते हैं, आप लोगों को नहीं देख सकते. हाँ, तो लोग आपको देखते हैं, आप उनको नहीं देख सकते. वो मैं उनके कमेंट्स पढ़ के उन्हें मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, एंड इवन टू कमेंट दे हैव टू पे.
क्योंकि कमेंट के भी चार्जेस होते थे. सो ये करते करते 4 महीने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट समथिंग जो मुझे करना चाहिए और मैं इसके लिए नहीं आई हूँ इन बॉम्बे. हाँ तो मैंने वो बंद कर दिया और पेमेंट का भी इशू था. फिर उसके बाद उन दिनों राजकुंद्रा के ऐप पे एक डायरेक्टर होता था साजन नाम का, मैं पूरा नाम नहीं लूँगा. तो साजन वॉज मेकिंग फिल्म फॉर दैम बैक टू बैक. सो मुझे भी अप्रोच किया गया कि एक फिल्म है और ये राजकुंद्रा का ऐप है. तो ऐसे मार्केट में चल रहा था कि राजकुंद्रा के ऐप है जो फिल्म बनाते हैं हॉट शॉट्स. सो मेरी मीटिंग भी हुई और देन वो वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत बोल्ड है. उस समय मैं इतना बोल्ड नहीं करती थी. नहीं हुआ. फिर क्या हुआ, एक कोऑर्डिनेटर था रवि गुप्ता. रवि गुप्ता ने उमेश कामत को अप्रोच किया कि मुझे आपके लिए फिल्म्स बनानी है और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ तो आपकी फिल्मों की मैं कास्टिंग कर दूंगा. तो उमेश टोल्ड हिम वेरी प्रिसाइसली, हाँ ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में, कि अगर तुम गहना को ऑन बोर्ड ले आते हो तो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेटर से प्रोड्यूसर बना दूंगा. इतना ऑब्सेशन क्यों था उमेश को आपसे? मुझे बिल्कुल नहीं पता. और मैं उमेश को कभी नहीं मिली थी. मुझे पता भी नहीं था कि उमेश कैसा दिखता है और क्या सीन था. बट मुझे तब तक बहुत लोग अप्रोच कर चुके थे हॉट शॉट्स के लिए, बट मैं सबके लिए नाना नाना चल रहा था. क्योंकि रीज़न ये था कि उनके फिल्मों में ना कोई एक लड़की ऐसी थी जो काफ़ी बोल्ड करती थी. अगर एक फिल्म में दो हीरोइन है तो एक नहीं करी तो दूसरी तो कर रही, बट अब सेम टाइम फ्रेम में या सेम फिल्म में तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं आपका नाम भी खराब होता है. तो रवि ने मेरी किसी और फिल्म के DOP को अप्रोच किया और मेरी मीटिंग अरेंज करे. मीरा टावर के नीचे CCD है वहाँ पे. और मुझे नहीं बताया गया कि हाँ ये हॉट शॉट्स की फिल्म है. मुझे नरेशन दिया गया, नरेशन वॉज गुड और मैं DOP को जानती थी. अच्छा DOP, अभी बालाजी का शो कर रहा है वो. वो मुझे बहन बहन बोला करता था. उससे मुझसे कहा कि मेरा बड़ा भाई डायरेक्टर बन जाएगा, मेरा भी प्रोड्यूसर बन जाएगा यार, गहना काम शुरू हो जाएगा, प्लीज़ तू कर ले. मैंने कहा ठीक है चलो, स्टोरी अच्छी कर रहे अपन लोग. फिर हम लोगों ने मड में एक बंगलो है, मनीषा बंगलो, वहाँ पर शूट किया. शूट हो गया, सेम टाइम पे एक लड़की आई जिसका नाम था सेजल. सेजल, अच्छा मैं उसको पहली बार मिली थी, मुझे नहीं पता. एक्टिंग के नाम पे शून्य, कुछ नहीं आता था. हाँ तो नहीं आता था यार सेजल. तो बंदी का सीन था जहाँ पे वो एक्चुअली टॉपलेस है एक्चुअली, और मेरे सामने बनी हुई. लोगों ने वॉशरूम में शूट किया वो. सो जब मैं एडिटिंग टेबल पर बैठी, जब मेरी एडिटिंग हो रही है, तो मैंने गलती से वो शॉट देख लिया और मैंने वहाँ पे कहते ना झांसी की रानी बन गई. ये क्या है बोल्ड अवतार के बी टू प्ले. हाँ हाँ, ये क्या चल रहा है यार, ये हो क्या रहा है, व्हाई द हेल यू गाइस आर मेकिंग दिस, क्या चल क्या रहा है. तब मुझे पता चला कि हम लोगों ने हॉट शॉट्स के लिए शूट किया है क्योंकि इन लोगों ने मुझे बोला कि उमेश वॉन्ट्स टू मीट यू. तुम यहाँ जो स्टूडियो में तमाशे कर रही हो, बैठते यू मीट हिम. तो तब मैंने कहा उमेश कौन. फिर मैं आई सेम ऑफिस सेम जगह जहाँ पहले गई थी. तो अब मुझे पहली बार उमेश मिला. उमेश बोला कि यार गहना देखो, तुम्हारा तो टॉपलेस नहीं है और उस बंदी ने किया है, वो करते रहती है, शी इज़ कम्फर्टेबल, तुम्हारा क्या कंसर्न है. और तुम्हारे में तो नहीं है, सेम सीन में भी नहीं है. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, हु एम आई टू टेल दिस. अब कर लिया तो कर लिया. और फिल्म को रोक के मतलब नहीं, कई लोगों के पैसे फंसे होते हैं. फिर फिल्म रिलीज हुई, फिल्म का नाम था 1+1, उसमें मैंने एक्ट किया था. ठीक है, और ये कहाँ रिलीज हुई? हॉट शॉट्स. फिर हॉट शॉट्स की मैंने एक दो फिल्में और की. हाँ, पैसे अच्छे मिल रहे थे? पैसे ठीक मिल रहे थे. पैसे मुझे वैसे भी ज़्यादा मिलते थे, मतलब मैं ऑलरेडी इतनी आर्टिस्ट फेमस हो चुकी थी कि मैं ऑलरेडी अच्छा पैसा मुझे मिलता था. तो मेरी उस पेमेंट में और इस पेमेंट में कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं था. तब तक मेरे पास बॉम्बे में फ्लैट भी था, मेरे पास गाड़ी थी, मेरे पास 3 गाड़ियाँ थी उन दिनों, मेरे पास फ्लैट्स भी काफ़ी थे, मैं टैक्स भी भर रही हूँ, GST भर रही हूँ, तो चीज़ें सही थी. मुझे ऐसा कोई पैसों का कोई कंसर्न था नहीं. और बिलीव मी, मैंने लाइफ में कभी भी पैसों के लिए काम नहीं किया, कभी नहीं. मतलब मैं जब मुझे शायद मेरे पास अगर 20 रुपये हो जाते थे तो मेरा दिन भर का खाना हो जाता था. जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी शायद तब भी मैंने पैसों के लिए काम नहीं किया होगा. पैसा कभी भी कंसर्न नहीं था. मैं हर बार बर्बाद हुई हूँ मोहब्बत में ही.